ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अध्याय 42। महाराज परीक्षित दत्त चित्त आंखें बंद किए हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे। जिस रूप में श्री कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा दी थी उसको सुनकर तो परीक्षित भी रोमांचित हो उठे और उन्होंने अपने नेत्र खोले। सामने मुनिवर सुखदेव जी को आनंद विभोर देखकर बोले, आहा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या कहना, एक से एक बढ़कर हैं। उनका प्रत्येक कार्य दूसरे से अधिक चमत्कार और रहस्य से पूर्ण है। दूषित संसार और संसार के लोगों को सुधारने के लिए भगवान कोई भी भार उठाने को सदा तत्पर रहते हैं और इस प्रकार अपनी दिव्यता, महानता, शक्ति, गौरव और प्रताप की घोषणा करते हैं, जिससे भक्त जन उनके निकट पहुंचते जाएं और दुर्जन भयभीत हो अपनी दुष्टता छोड़ दें। किंतु माया का पर्दा ऐसा पड़ा रहता है कि मनुष्य ना तो उनको पहचान पाता है और ना ही उनकी लीलाओं के आंतरिक अर्थ को समझ पाता है। सुखदेव जी समझ गए कि महाराज परीक्षित के मन में क्या विचार उठ रहे हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, माया के आवरण का भ्रामक प्रभाव पिछले जन्म के संचित कर्म फलों का ही परिणाम है। केवल सत्कर्मों के द्वारा ही माया के प्रभाव से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि कर्म फल विपरीत हुए तो मनुष्य माया के चक्कर में अधिक बंधता है। यदि पूर्व जन्म में सत्कर्म किए गए हों तो उनके फलस्वरूप इस जन्म में सात्विक प्रवृत्ति होगी, सद्गुण बढ़ेंगे और कोई भी बुरी प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर उसे सद्गुण दबा देंगे, विकसित नहीं होने देंगे और व्यक्ति की भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाएगी। उसमें दैविक संपदा बढ़ती जाएगी और उसका जीवन दैविक आधार पर आगे बढ़ता हुआ भगवान को समर्पित होगा। उसके सारे कर्म उनके लिए और उनके प्रति होंगे। इसके विपरीत जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में भयंकर पाप किए होंगे उन पर माया का बहुत ही सघन आवरण पड़ा होगा। उन्हें कुछ भी दैविक दिखाई नहीं देता। उन्हें ना कभी भगवान की याद आती है और ना ही उसकी लीलाओं की। ना वे कभी सच्चे अर्थों में अपना हित सोचते हैं और ना ही दूसरों का। वे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता में इतना लीन रहते हैं कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह किन साधनों का उपयोग करते हैं। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास तो
पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फल से और सात्विक तपस्या के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। यह नहीं कि किसी क्षण अचानक पैदा हो जाए। महाराज परीक्षित शुकदेव जी के वचन सुनकर पाप और पुण्य के संबंध में कुछ अधिक जानने के उत्सुक हुए कि मनुष्य के जीवन में उनका क्या प्रभाव होता है। अतः उन्होंने शुकदेव जी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से कोई ऐसी लीला सुनाने के लिए कहा जिससे पाप और पुण्य के संबंध में उनकी जिज्ञासा दूर हो सके तथा किसी शाप के प्रभाव का भगवान की कृपा से कैसे शमन हो जाता है इसका ज्ञान हो सके एवं भाग्य के खेल का भी कुछ पता चले। महाराज परीक्षित की इस प्रार्थना को सुनकर शुकदेव जी हंसे और बोले, हे राजेंद्र, शाप ग्रसित अनेक लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था और ऐसी अगणित घटनाएं हैं। जितने भी राक्षसों, दैत्यों और असुरों का भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में तथा उसके बाद में भी वध किया था, वास्तव में वे सब पूर्व जन्मों के किए गए पापों के कारण शापग्रस्त थे और उन रूपों में अपने पापों का फल भोग रहे थे। भगवान की उन पर कृपा हुई और उनका वध करके भगवान ने उन्हें शाप से मुक्त कर उनका उद्धार किया। महाराजा परीक्षित ने शुकदेव जी से निवेदन किया, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किन्हीं पेड़ों को उखाड़ दिया था, उस घटना के पीछे भी क्या कोई रहस्य था? क्या आप मुझे इस संबंध में कुछ बताने की कृपा करेंगे ताकि मैं उसका आनंद ले सकूं? शुकदेव जी तो सदा तैयार रहते थे। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे राजन, यद्यपि नंद बाबा के घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, किंतु घर की परंपरा के अनुसार माता यशोदा का घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करती थी, जैसे दूध गर्म करना, जमाना, दही बिलोना, मक्खन निकालना आदि। एक दिन माता यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान ध्यान पूजा आदि करके दही का मटका बिलोने पर रखकर मथने लगी। दोनों हाथों से रस्सी खींचते हुए दही मथते हुए भगवान के भजन गाती जा रही थी। उसी समय चुपके से गोपाल आए और उन्होंने माता यशोदा की साड़ी का पल्ला पीछे से पकड़कर खींच दिया। यशोदा अचानक लगे झटके से सहमी पीछे मुड़ी तो पाया कि नटखट कन्हैया खड़े हैं। उन्होंने उसी क्षण गोपाल को अपनी बाहों में भर लिया और दुलारने लगी, लाल, अभी तो सवेरा हुआ ही नहीं और तुम जाग उठे, अभी नींद पूरी नहीं हुई होगी, जाओ सो जाओ। किंतु बालक गोदी में मचलता थिनकता रहा, मानो भूखा है और बिना दूध पिए फिर से सोएगा नहीं। माँ का हृदय पसीज गया। दही मथते हुए उनके स्तनों से वैसे ही दूध बह रहा था। वात्सल्य उमड़ पड़ा और वे बाल कृष्ण को अपने आंचल में छिपाकर स्तन पान कराने लगी। दही की मटकी पर ढक्कन लगा दिया। स्तन पान कराते हुए अपने प्रिय कन्हैया को दुलारती भी जा रही थी और उनके सिर पर हाथ फिरा रही थी। इतने में ही उन्होंने रसोई घर में चूल्हे पर से कुछ गिरने और फैलने की आवाज सुनी। उन्हें लगा शायद बिल्ली है, दूध फैला दिया दिखता है। वह गोपाल कृष्ण को अपनी गोदी से नीचे उतारकर वहीं बैठा कर लपक कर स्वयं रसोई में यह देखने के लिए चली गई कि क्या हुआ है। इस पर बाल कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने सामने जो दही का मटका देखा तो उसमें पड़ी मथानी निकालकर उससे मटके को फोड़ दिया, मक्खन खा लिया और वहां से भाग गए। मथा हुआ दही फर्श पर चारों ओर फैल गया। यशोदा लौट कर आई तो देखा दही का मटका फूटा हुआ था और दही चारों ओर फैला हुआ था। गोपाल को वहां ना देखकर उसी क्षण समझ गई कि यह सब कन्हैया की ही करतूत है और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ी। माता यशोदा ने उन्हें अपने घर में चारों ओर खोजा,
किंतु कहीं नहीं मिले। आस पड़ोस के घरों में देखा, सबसे पूछा, किंतु ना तो कहीं मिले और ना कोई बता पाया कि कहाँ हैं, क्योंकि इतनी प्रातः किसी ने उन्हें उस दिन देखा ही नहीं था। यशोदा भयभीत हुई कि दही की मटकी फोड़ देने के कारण मिलने वाले दंड के भय से डरकर कहीं भाग गए हैं। उस समय कुछ अंधेरा था, इसलिए और भी अधिक डर लगा। माता यशोदा घबराई हुई चारों ओर घर घर जाकर उन्हें खोजती रही और आखिर उन्हें खोज ही लिया। वे एक ऊखल को औंधा करके उस पर खड़े थे और उचक उचक कर छींके पर टंगे मक्खन का बर्तन उतारने का प्रयत्न कर रहे थे। माता यशोदा ने उन्हें इस प्रकार मक्खन चुराते रंगे हाथों पकड़ा तो बोली, चोर कहीं के? तुम हर घर में ऐसा ही व्यवहार करते हो। गोपियां जब आकर मुझसे शिकायत करती हैं कि उनके यहां तुमने मक्खन चुराया, तो मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उन्हें बुरा भला कहकर लौटा देती हूं। अब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से यह चोरी करते हुए देखा है। तुम बहुत शरारती हो गए हो। तुम अब दंड से नहीं बच सकते। तुम्हारी मैं आज अच्छी तरह से खबर लूंगी। यदि तुम्हें बच्चा समझकर अभी छोड़ दिया जाता है तो तुम और भी अधिक उद्दंड हो जाओगे। तुम्हें मैं क्षमा नहीं कर सकती। तुम्हें अच्छा दंड मिलना ही चाहिए। यह तुम्हारी चोरी की आदत वंश को ही कलंकित कर देगी। कुल की सारी यश कीर्ति धूल में मिल जाएगी। माता यशोदा का क्रोध और क्षोभ बहुत बढ़ गया था। उन्हें साथ ही बड़ी लज्जा भी आ रही थी कि बालक की चोरी की आदत कितनी भारी बदनामी और कलंक की बात थी। उन्होंने इधर उधर देखा, सामने एक रस्सी दिखाई दी तो उससे गोपाल को ऊखल के साथ बांधने का निर्णय किया। गोपाल अपनी माता के मन की बात को ताड़ गए और जैसे ही यशोदा ने उन्हें पकड़ने को हाथ बढ़ाया, वे वहां से भाग गए। आगे आगे गोपाल और पीछे माता यशोदा थी। गोपाल कभी इस दरवाजे से निकलते तो कभी उस दरवाजे में होकर घुस जाते। यशोदा जी का शरीर कुछ स्थूल था, फिर कभी भागने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। वे थकान अनुभव करने लगी और उनकी दौड़ मंद पड़ गई और वे हांफने लगी। गोप गोपियां और ग्वाल बाल माता और पुत्र की दौड़ देखकर आनंदित हो रहे थे। आगे आगे गोपाल ठुमक ठुमक कर भाग रहे थे और पीछे पीछे उनकी माता यशोदा थी। गोपाल तो सर्वांतर्यामी और सर्वशक्तिमान है, उनसे भला क्या छिपा है। उन्होंने माता की व्यथा पहचानी कि वे थक गई हैं तथा अब और अधिक दौड़ सकना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए स्वयं मंद हो गए और माता यशोदा के हाथ आ गए। किंतु वह कन्हैया पर इतनी अधिक क्रोधित होते हुए भी मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठा सकी। बस कसकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नटखट चोर कहीं के? और घसीटते हुए घर ले आई। उन्हें ऊखल के पास लाकर खड़ा कर दिया। ऊखल पत्थर का था और बहुत भारी था। माता यशोदा ने गोपाल को उसके साथ बांधने के लिए जो मोटी रस्सी उठाई वह छोटी पड़ गई। वह एक रस्सी और लाई और पहली रस्सी के साथ उसकी गांठ बांधकर गोपाल को ऊखल से बांधना चाहा, किंतु रस्सी फिर भी छोटी पड़ गई। माता यशोदा को इस प्रकार कितनी ही बार रस्सी के टुकड़े लाने पड़े, किंतु हर बार और रस्सी जोड़ देने पर भी सब जुड़ी रस्सियां उनको बांध पाने के लिए पूरी नहीं पड़ रही थी। हर बार रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ जाती थी। माता यशोदा इस अद्भुत चमत्कार को देखकर विस्मित थी। आखिर किसी प्रकार माता यशोदा गोपाल कृष्ण को ऊखल के साथ बांध सकने में सफल हुई और स्वयं घर के काम धंधों में लग गईं, जिनके लिए उन्हें गोपाल के इस चक्कर में पड़कर पहले से ही देर हो रही थी। गोपाल उस ऊखल से बंधे हुए ही उसे घसीटते हुए घर के आंगन के बगीचे में जा पहुंचे। वहां दो जुड़वा वृक्ष थे जो जड़ में एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए थे।
श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए और उनके साथ रस्सी से बंधा ऊखल उन दोनों वृक्षों के तनों के बीच में फंस गया। ऊखल से अटकते ही भगवान श्री कृष्ण ने रस्सी को जो जोर का झटका दिया तो दोनों वृक्षों की सारी जड़ें उखड़ गईं और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने जोर की आवाज सुनकर माता यशोदा घर के भीतर से भाग कर आईं कि देखें क्या हो गया है, तो देखकर स्तंभित और भयग्रस्त हो गईं। गोपाल धराशायी हुए दोनों वृक्षों की पत्तियों और टूटी हुई शाखाओं और टहनियों के बीच खड़े हैं। वे वेदना भरे स्वर के साथ लपक कर गोपाल के पास पहुंची, उनकी रस्सी खोली और उन्हें गोदी में उठा अपनी छाती चिपकाकर घर में ले आई और यह देखकर उन्हें संतोष हुआ कि गोपाल को कोई चोट नहीं थी, वे पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, एक महान संकट टल गया था। दोनों वृक्षों के गिरते ही उनमें से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ नतमस्तक हो भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवन, हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं तथा नल कुबर और मणिग्रीव हमारे नाम हैं। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम अपने श्रीमत के कारण नारद जी के कोप भाजन बने और उनके शाप के कारण हम वृक्ष के रूप में यहां पर थे। आपके असीम अनुग्रह से आज उस शाप का अंत हुआ है, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान को बारंबार प्रणाम करते, उनका यशोगान गाते और स्तुति करते हुए दोनों वहां से अदृश्य हो गए। उन अद्भुत दैविक पुरुषों को देखकर गोकुलवासी चकित रह गए और उनके दर्शन पाकर तथा भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम देखकर वे सब आश्चर्य और आनंद से रोमांचित हो उठे। यद्यपि गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की दिव्य लीलाएं सदा देखते सुनते रहते थे और उनके समक्ष उनके दैवत्व की अनेकों प्रत्यक्ष प्रमाण थे, किंतु फिर भी माया में फंसे वे लोग गोपाल को सदा नंद यशोदा का बालक अपना ग्वाल सखा ही समझते थे, माया के आवरण जो ऊपर थे। सुखदेव जी ने जब इतना कहा तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, हे मुनिवर, यह बताने की कृपा करें कि माया में इतनी शक्ति कहां से आ गई जो सदा सब पर छाई रहती है और सबको अपने जाल में फंसाकर अंधा बनाए रखती है। माया को माधव तक की शक्ति और गौरव को छिपा देने का सामर्थ्य किसने दे दिया? माया का वास्तविक स्वरूप और स्वभाव क्या है, कृपया मुझे समझाकर अनुग्रहित करें। सुखदेव जी ने समझाते हुए कहा, हे राजन, यह माया अपने रूप में कोई भिन्न नहीं है, भगवान माया के सहारे से ही प्रकट होते हैं। भगवान का प्रत्यक्षीकरण केवल इसलिए संभव है कि उन्होंने माया की पोशाक धारण की है। यह भगवान की उपाधि है, अर्थात माया सत्य की वास्तविकता को रोकती है। उसका स्वभाव है कि सत्य को छिपा ले और वह असत्य भाषित होने लगे। जो इसको हटा सकता है, इसके आवरण को दूर कर सकता है, वही भगवान के दर्शन पा सकता है, परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। माया एक ऐसा वातावरण निर्माण कर देती है जिसमें असत्य सत्य भाषित होता है, जिसका अस्तित्व ही नहीं वह अस्तित्व में दिखाई देता है। मनुष्य मृग तृष्णा में भ्रमित सत्य से परे हटता जाता है और जो कुछ आप कल्पना करते हैं वही सत्य लगता है। यह माया का भ्रमजाल उस व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर पाता जो अपनी सारी इच्छाओं, कल्पनाओं और योजनाओं को त्याग कर समस्त कामनाओं से विहीन होकर समत्व में स्थित हो जाता है। अन्यथा फिर यशोदा
जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से अनेक बार भगवान श्री कृष्ण की अनेकों दैविक लीलाएं देखी थीं और यह अनुभव किया था कि उनका गोपाल और कोई नहीं बल्कि उस रूप में भगवान स्वयं ही हैं, किंतु फिर भी वह सब कुछ भूल जाती थीं और उन्हें अपना पुत्र समझती थीं और तदनुसार ही उन्हें अपना वात्सल्य प्रदान करती थीं। यह पुत्र की कामना और मोह ही उस माया का कारण थी। जहां तक भेद है और संभव है, वह शरीरों तक ही सीमित है, माता की देह पुत्र की देह, किंतु उनमें अंतर स्थित देही अर्थात आत्मा में ऐसा कोई बंधन और संबंध नहीं। वह माता की देही पुत्र की देही का कोई अंतर नहीं, वह सब एक हैं, समान हैं। जब किसी को इस सत्य का ज्ञान हो जाता है और उसमें वह दृढ़ता से स्थिर हो जाता है, उसमें फिर कोई इच्छा कोई कामना शेष नहीं रहती। इस सत्य ज्ञान की जिज्ञासा करो, उसकी पूर्ण खोज करो, तुम इस सत्य को प्राप्त कर सकोगे। इस खोज के बिना, सत्य की प्राप्ति के बिना माया का आवरण सघन होता जाएगा, प्रज्ञा बुद्धि मंद पड़ती जाएगी, माया के जाल में फंसे सत्य से दूर हटते जाओगे। संसार के महानाटक में जिसकी ईश्वर ने रचना की है, वह स्वयं भी एक पात्र बन जाते हैं और अभिनय करते हैं, जिनके परिणाम भी वास्तव में क्षणिक होते हैं। वेदांत इस बात की शिक्षा देता है कि इस समस्त अभिनय के पीछे जो सत्य छिपा है, उसको प्राप्त करो, उसे पहचानो। जो कुछ अभिनय हो रहा है, उसी को सत्य मत समझो। इसके लिए जो रूप धारण किया जाता है, उसे ही सत्य समझ लेने के परिणाम स्वरूप मनुष्य माया के रूप में फंस जाता है, धोखा खा जाता है। क्योंकि जहां दृष्टि शरीर पर केंद्रित हुई कि उसमें छिपा पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता, जब जलते हुए अंगारे पर राख जम जाती है तो वह दिखाई नहीं देता। जब सघन बादल आकाश में छा जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। किसी तालाब में जब काई बहुत जम जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई घास का मैदान हो। आंख में मोतियाबिंद छा जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब शरीर को ही सत्य रूप में ग्रहण कर लिया जाता है तो फिर वही प्रमुख बन जाता है और उसके भीतर छिपी आत्मा उस विचार के आवरण से ऐसी आच्छादित होती है कि ओझल हो जाती है। हे मुनिवर, आज मेरी आंखों के सामने का पर्दा हट गया है, आपके उपदेश की वायु से बादल छट गए हैं और सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जलते हुए अंगारे की राख उड़ गई है और उसकी चमक और उष्णता का अनुभव हो रहा है। इस पंच भौतिक शरीर को ही सत्य समझने का भ्रम दूर हो गया है। मेरा परम सौभाग्य है, वास्तव में मैं आज धन्य हो गया हूं। मेरे सामने से माया का आवरण हट चुका है। इतना कहकर महाराज परीक्षित मुनिवर सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। इसी बीच वहां एकत्रित ऋषि मुनि साधु संत तथा अन्य नागरिक आपस में वार्तालाप करने लगे। जब शीघ्रता के साथ समय निकट आता है, अंतिम घड़ी निकट होती है, तो शरीर को भी पात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शरीर का पात तभी होता है जब उसमें से प्राण शक्ति निकल जाती है, किंतु मन नहीं छोड़ता, इसीलिए उसे नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं तथा यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मन संपूर्ण इच्छाओं से शून्य होकर, कामनाओं से रहित होकर संतोष और शांति से पूर्ण नहीं हो जाता। आज महाराज परीक्षित ने मन और शरीर के भेदों को भली प्रकार समझ लिया है और उस पर विजय पाली है। अब वह ऐसी परमानंद की स्थिति में पहुंच गए हैं जहां प्राण वायु भी
अपना कोई प्रभाव नहीं जमा सकती। जब मन माधव में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उसका कोई विलग अस्तित्व ही नहीं रहता, तो फिर शरीर भी दैविक हो जाता है, उसका भी रूपांतरण हो जाता है, फिर उसका मानवत्व नहीं पहचाना जा सकता। आज जो शिक्षा और उपदेश महामुनि सुखदेव जी ने दी है, वह केवल महाराज परीक्षित के लिए ही नहीं है, उन सब के लिए है जो माया में भ्रमित अपने पंच भौतिक शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। यह भ्रमजाल ही तो सारे बंधनों का कारण है, किंतु इसके विपरीत इस सत्य का पूर्ण विश्वास कि हम देह नहीं बल्कि आत्मा हैं, जो अजर अमर और अविनाशी है, सर्वव्यापक और नित्य सत्य है, सभी बंधनों से मुक्त होते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं, यही वेद और शास्त्र कहते हैं। यह मन ही तो है जो मनुष्य को माया के बंधनों में बंधवाता है और यही उसको समस्त बंधनों से मुक्त भी करवाता है। सत्य और असत्य दोनों को ही ग्रहण करने वाला मनुष्य का मन ही है, इसीलिए कहा गया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। श्रुति का यही वाक्य सत्य है। इस प्रकार कुछ समय तक धर्म चर्चा करते हुए सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करने में लीन हो गए। अब सूर्यास्त होने लगा तो ऋषि तथा मुनिजन अपने दंड और कमंडल लेकर संध्या कर्म के लिए पवित्र गंगा तट पर चले गए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। कर्माबाई का नाम आपने सुना हो, छोटी सी बालिका थी। उसके पिताजी भ्रमण के लिए जा रहे थे, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। की बेटी देख, अपने घर में बाल गोपाल विराजते हैं, रोज इनको भोग लगाना, रोज इनकी सेवा करना। देख बेटी कर्मा, सांवरिया को बहुत मनाना पड़ता है, बिना मनाए तो कन्हैया भोग ग्रहण करता ही नहीं। इसलिए देख बेटी, श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से भोग लगाना। कर्मा बाई ने सोचा कि लगता है भगवान प्रतिमा से निकलेंगे, मेरी गोद में बैठेंगे और मेरे हाथ से भोग लगवाएंगे। पिताजी तो चले गए यात्रा पर और कर्माबाई ने बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाई, बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर भगवान को आमंत्रित किया कि आओ सांवरिया सेठ, मुझे भी भूख लग रही है, ज़्यादा समय मत लगाओ, आओ खिचड़ी का भोग लगाओ। भगवान खिचड़ी के लिए प्रतिमा से बाहर निकलते नहीं, भोग लगाते नहीं। कर्मा ने कहा लगता है शकर कम है, मैं और शकर लेकर आती हूँ। कर्मा शकर डालती है खिचड़ी में, कहा गिरधारी अब तो भोग लगाओ, मैंने शकर भी डाल दी।
लेकिन भगवान प्रतिमा से बाहर आते ही नहीं, भोग लगाते ही नहीं। कर्मा कहती है कि सुनो बाबो, मारो गाम गयो है, ना जाने कब आवेगो, ऊके भरोसे बैठ रहो तो भूको ही रह जावेगो। बाबो मारो गाम गयो है, ना जाने कब आवेगो, ऊके भरोसे बैठ रहो तो भूको ही रह जावेगो। देखो श्याम सुंदर, पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उनके भरोसे पर बैठे रहोगे तो भूखे ही रह जाओगे। मैंने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है, आज तक कभी मैंने खिचड़ी बनाई नहीं, पहली बार आपके लिए बनाई है। बाहर निकलो, आओ मेरी गोद में बैठो सांवरिया, मेरी गोद में बैठकर भोग लगाओ। बार बार मंदिर में डोलती, बार बार ने खोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन, एक कल्ली कल्ली बोलती, तू जी में तो जद में भी जीमू, तू जी में तो जद में भी जीमू, मानू ना कोई बात की, जीमो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर का पर्दा हटाकर देख रही कि खिचड़ी ग्रहण की कि नहीं की, बार बार मंदिर को बंद कर रही है। ओ नंदलाला, ओ यशोदा के लाल, जिद तुम्हारी माँ ने पूरी की होगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैं तो मेरे पिताजी की बेटी हूं, मेरे लिए तो रोज खिचड़ी मेरे पिताजी बनाते हैं। देखो आज मैंने बहुत मेहनत से खिचड़ी बनाई है, बाहर तो आना ही पड़ेगा, खिचड़ी का भोग तो लगाना ही पड़ेगा। और जब भगवान बाहर नहीं आते तो कर्मा फूट फूट के रोने लगती है और कहते हैं कि भगवान से लड़ने के लिए उद्यत हो जाती है कि देखो सावरिया बहुत हो गया, अब अगर तुम बाहर नहीं आए तो विवाद हो जाएगा। और जब कर्मा रोने लगती है और भगवान से झगड़ा करने लगती है तो कहते हैं कि स्वयं भगवान प्रतिमा से बाहर आते हैं, कर्मा के आंसू पोंछते हैं, कर्मा के गले से भगवान लग जाते हैं, उसकी गोद में बैठते हैं और कर्मा के हाथ से भगवान भोग पा रहे हैं। पिताजी तीर्थ यात्रा समाप्त कर लौटे हैं तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक छोटा सा बालक कर्मा की गोद में बैठा है और कर्मा अपने हाथों से उसे भोग लगा रही है। तो संतों ने कहा कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, साईं सावरियो घर आवेगो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर भक्ता ने गुण गावेगो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, पिताजी ने कहा बेटी मेरा पूरा जीवन निकल गया भगवान को भोग लगाते लगाते, पर आज तक भगवान के सर के बाल का दर्शन नहीं हुआ। धन्य है तू, तूने जगतपति को गोद में बिठा लिया, अपने हाथों से भोग लगा रही है। तो भगवान किसके हैं? भगवान रामावतार से लेकर कृष्णावतार से लेकर इस सत्य साई अवतार तक भगवान पर पहला अधिकार किसका है? विद्वानों का है? नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेरया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन देने या सुनने से, बहुत अध्ययन करने से, बहुत चिंतन करने से आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता। प्रपा जब तक ना हो,
तो कहा भोला भगता का सावरिया, भोला भगता का सावरिया, कैया कैया काट की। भगवान किसका है? भोले भक्तों के सावरिया। जो भोले भक्त है ना, जो कुछ जानते ही नहीं, जो ना पूजा करना जानते हैं, ना आरती करना जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन एक चीज जानते हैं, भगवान से प्रेम करना जानते हैं, उन्हें भगवान से भीतर से प्यार है, ऐसे भक्तों के भगवान हैं। जैमिनी से लेकर प्रणाद जैसे विद्वान, पाणिनि जैसा शब्द शास्त्री, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की। जो लोग व्याकरण जानते हैं वो जानते हैं, पाणिनि ने व्याकरण को व्यवस्थित किया शब्दों के माध्यम से, और सिंह शब्द की व्युत्पत्ति जानने के लिए वो शेर के सामने चले गए। बड़े बड़े शब्द शास्त्री, योग शास्त्री, मर्मज्ञ सब एक तरफ रह जाते हैं। जब वृंदावन के गोप और वृंदावन की गोपियां एक साथ मन से बुलाते हैं, तो बड़े बड़े योगियों की प्रार्थना, बड़े बड़े विद्वानों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं एक तरफ रह जाती हैं, और ठाकुर उन गोप गोपियों के आंसुओं से रीझ कर सबसे पहले उन्हें दर्शन देने जाते हैं। क्योंकि ज्ञान और मीमांसा, सांख्य और न्याय, वैशेषिक जितने भी ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ बुद्धि प्रदान हैं। बुद्धि से आप चिंतन कर सकते हैं, बुद्धि से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बुद्धि से आप राइटर बन सकते हैं, बुद्धि से आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बुद्धि से आप बहुत सफल राजनेता बन सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप भक्त नहीं बन सकते। भक्ति जब होती है तो बुद्धि एक तरफ रह जाती है। क्या आंसू जानबूझकर आते हैं क्या? एक बार हमने आश्चर्य देखा, भाई रामलीलाएं बहुत होती हैं, तो एक गांव में हम भी गए रामलीला देखने, तो देखा कि पहले तो सीता जी बहुत रो रही हैं, और जब रामलीला खत्म हो गई तो सीता जी पीछे हंस रही हैं। आदमी ही सीता बनता है, व्यक्ति पुरुष ही राम, पुरुष ही सीता बनती है रामलीला में ना। तो छोटे से थे हम, हमने कहा बहुत आश्चर्य, अभी तो रो रही थी सीता जी और 10 मिनट बाद सीता जी हंस रही हैं। तो पूछा साथ वाले से कि सीता जी क्या कर रही हैं, अभी तो रो रही थी, अभी हंस रही थी। बोले वो सीता जी स्टेज पे थी, अभी तो जो भी रामलाल पन्नालाल जो भी है वो है ना। बुद्धि से कभी भक्ति नहीं होती, बुद्धि से विवेचनाएं होती हैं, बुद्धि से संप्रेषण होता है, बुद्धि से आत्म और अनात्म का बौद्धिक विश्लेषण संभव है, लेकिन बुद्धि से कभी रोया नहीं जा सकता। क्या बुद्धि से कभी रोया जा सकता है? नहीं, बुद्धि कभी रुदन नहीं करती, बुद्धि तो चिंतन करती है। और परमात्मा जब मिलते हैं, भगवान का जब दर्शन होता है, जब आपका चिंतन बंद हो जाए, जब आपका चिंतन बंद हो जाता है, जब आपका सोच बंद हो जाता है, और जब आप कहते हैं कि बस अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब आप ही संभालिए, अब आप ही संभालिए, और जब आप पूरे अंतर मन से प्रार्थना करते हैं कि भगवान साई हमारा, हम साई के, ऐसा प्रेम हमारा, साई हमारा, हम साई के, ऐसा प्रेम हमारा, साई हमारा, हम साई के, ऐसा प्रेम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा।
सई राम हमारा, 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 प्रेम हमारा, साई हमारा, हम साई के ऐसा प्रेम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा, सत्य साई है नाम तुम्हारा, सब गाइए, शिरडी साई अवतारा, सत्य साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम सबका पालनहारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा, साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा, सत्य साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा, सत्य साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा, सत्य साई है
अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राजा दशरथ अपने पुत्रों, पुत्रवधुओं, ऋषिजनों, विद्वानों, चारों सेनाओं, रथ, गज, अश्व एवं पैदल तथा अयोध्या वासियों सहित अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। सहसा उन्होंने मार्ग में कुछ अपशकुन देखे, जिन्हें देखकर उन्हें ज्ञात हो गया कि कुछ भयानक घटना होने वाली है। दशरथ ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उनकी सलाह ली। मुनिवर, कैसी विचित्र बात है, बादल घने होकर गरज रहे हैं, जंगली पशु हमारी परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या अभिप्राय है, इन अपशकुनों से मुझे शंका होने लगी है। वशिष्ठ ने उन लक्षणों को अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा देखा और बोले, हे राजन, यह तो हम पर आने वाली किसी भारी विपत्ति के लक्षण हैं। मेघ अति भयानक रूप से गरज रहे हैं, जंगली पशुओं द्वारा हमारे रथों की परिक्रमा से यह स्पष्ट है कि संकट टल जाएगा, इसलिए आप चिंता छोड़िए। वशिष्ठ ने दशरथ के मन में विश्वास और श्रद्धा दिलाई और वे आगामी घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगे। सहसा जोर की आंधी उठी। उनके देखते ही देखते विशाल वृक्ष घोर शब्द करते हुए समूल गिरने लगे। पर्वतों की चोटियां भी एक के ऊपर एक ढहने लगी। घनघोर विस्फोटों से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी ही खंडित हो रही हो। चारों ओर
इतनी धूल उठ रही थी कि एक रथ के लोग अपने आगे या पीछे वाले रथ को देखने में असमर्थ थे। हाथी और घोड़े भयभीत हो यत्र तत्र भागने लगे। पैदल सेना के सैनिक अचेत हो गिर पड़े। अन्य लोग भय से जड़वत हो खड़े रहे। उस विशाल जनसमूह में केवल वशिष्ठ, दशरथ तथा उनके चार पुत्र ही ऐसे थे जो भय से रहित थे। अन्य सभी लोग शक्तिहीन व निष्प्राण हो गए, कारण कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। चकाचौंध कर देने वाली बिजली की चमक से अंधकार और भी घना लग रहा था। उनके समक्ष नेत्रों से भय की वर्षा करने वाला एक भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थीं। उसके एक कंधे पर विशाल फरसा तथा दूसरे कंधे पर विद्युत के समान दीप्तिमान बाणों का तरकस था। वह पुरुष उन्हें त्रिनेत्रधारी शिव के समान अपने शत्रुओं के दमन हेतु जाता प्रतीत हुआ। ध्यान से देखने पर वशिष्ठ ने पहचान लिया कि वे परशुराम थे, लेकिन वशिष्ठ यह देखकर चकित थे कि वे इतने क्रुद्ध क्यों हैं। पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके वे अपना क्रोध शांत कर चुके थे। अतः वशिष्ठ ने इस एकाएक उठी क्रोधाग्नि का कारण जानने का प्रयत्न किया। वशिष्ठ ने परंपरागत स्वागत सत्कार, चरण प्रक्षालन आदि से परशुराम की अगवानी की। यद्यपि उन्होंने वशिष्ठ का सत्कार स्वीकार कर लिया, लेकिन वे राम को अग्निपूरित नेत्रों से टकटकी लगाकर देख रहे थे। राम उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिससे परशुराम का क्रोध और भी तीव्र हो गया। परशुराम ने गरजते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, मैंने सहस्त्रों जिह्वाओं से तुम्हारे अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा सुनी है। मैंने यह भी सुन लिया है कि तुमने शिव धनुष को बाल क्रीड़ा के समान तोड़ डाला, लेकिन यह सब मैंने केवल सुना ही है, देखा नहीं है। अब मैं तुम्हारे पराक्रम को साक्षात देखने के लिए स्वयं आया हूं। मैं अपने पूज्य पिता जमदाग्नि का दिव्य धनुष लेकर आया हूं। तुम इस पर बाण संधान करो और अपना बल दिखलाओ, अन्यथा आओ मुझसे युद्ध करो। इस कोप प्रदर्शन से राम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। वे शांत भाव से मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, हे भार्गव राम, मैं तो समझता था कि क्षत्रियों से बदला लेने की तुम्हारी भावना समाप्त हो चुकी है। यह दोबारा कैसे उत्पन्न हो गई? यह पतन क्यों? तभी दशरथ ने दीन भाव से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आप ब्राह्मण हैं, आपने महान ख्याति पाई है, मेरे बेटे अभी तरुण हैं, फिर अकारण ही आप उनके प्रति हिंसात्मक घृणा क्यों कर रहे हैं? यह तो आपके उच्च कुल के विरुद्ध है। आपके पूर्वजों ने वेदों का निरंतर अध्ययन किया तथा अति सावधानी पूर्वक विभिन्न प्रकार के विधि विधान संपन्न किए। चंद्रायन संस्कार के दिन आपने स्वयं शस्त्र त्यागने की घोषणा की थी। आपने कहा था कि आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आपने इंद्रदेव के समक्ष ये विजित क्षेत्रों का कश्यप जी को दान देकर अपने जीवन के शेष दिन धर्मनिष्ठ कर्मों को संपन्न करने एवं चित्त की शांति प्राप्त करने में व्यतीत करने का संकल्प लिया था। आप महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे थे। अब अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आप मेरे वंश और परिवार को नष्ट करने को उद्यत हैं। क्या प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करना घोर पाप कर्म नहीं है? प्रतिज्ञा भंग के बाद तपस्या का क्या लाभ? सत्य से बढ़कर कोई परमात्मा नहीं है। आप केवल राम को ही चुनौती देकर उनसे युद्ध करने की बात कर रहे हैं। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो हमारे संपूर्ण परिवार पर महान संकट आ जाएगा। राम पर आपत्ति आते ही हम सभी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आपके समान ब्राह्मण को इतने लोगों की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए। यह ब्राह्मणत्व पर कलंक ही नहीं वरन घोर पाप होगा। परशुराम ने दशरथ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और न ही उन्हें सुना। वे तो केवल राम को देख रहे थे।
उन्होंने कहा, जो धनुष तुमने तोड़ा है और यह धनुष दोनों ही स्वर्ग से आए थे। विश्वकर्मा ने स्वयं इन्हें बनाया था। एक तो त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए शिव को दिया गया और दूसरा विष्णु को दिया गया। राक्षसों का नाश करने के बाद शिव ने यह धनुष युद्ध के लिए प्रयुक्त बाणों सहित राजा देवव्रत को दे दिया था। संभवतः जिस उद्देश्य से यह धनुष शिव को दिया गया था वह कार्य पूर्ण हो जाने के कारण धनुष दुर्बल और शिथिल हो गया होगा। ऐसे धनुष को खंडित करना वीरता या पराक्रम का प्रमाण नहीं है, किंतु इस धनुष का कार्य अभी होना है, अतः यह अभी तक सबल और शक्तिशाली है। जिस प्रकार तुमने शिव धनुष को तोड़ा है वैसे ही इसकी भी प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे भंग करो। शिव धनुष को तोड़ने पर ही गर्वित मत हो, इस धनुष को तोड़ो और पराक्रमियों की सूची में अपना नाम अंकित करो। वे कहते रहे, तुम्हें मेरे इस वचन में संदेह हो सकता है कि यह विष्णु का धनुष है। विष्णु ने स्वयं यह धनुष ऋषिक मुनि के अधिकार में दे दिया था। ऋषिक ने इसे अपने पुत्र जमदग्नि को दे दिया। जमदग्नि मेरे पिता हैं। वे तपस्या द्वारा प्राप्त अलौकिक गुणों की खान थे, अतः निर्मल हृदय होने के कारण उनमें घृणा या प्रतिकार की भावना नहीं थी। जब मेरे पिता ने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दिया तो दुष्ट किरार्ता अर्जुन ने उनका वध कर दिया। ऐसा क्रूर अपराध पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैंने निश्चय किया था कि अब मैं दया नहीं करूंगा। मैं उसे पाठ पढ़ाना चाहता था। मैंने प्रण किया कि मैं केवल उसी को नहीं मारूंगा बल्कि सभी अधार्मिक राजाओं का नाश करूंगा। उस दिन से मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर उनके सिरों को गेंद बनाकर खेल रहा हूं। उन सभी के वध के समय यह धनुष मेरे पास था। मैंने अनेक क्रूर राजाओं को मार डाला। मैंने संपूर्ण विश्व को वश में कर लिया। ऐसा करने से मेरे पिता के हत्यारे के प्रति मेरा रोष कुछ शांत हो गया। फिर मैंने अस्त्रों का त्याग कर एक वैदिक यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में मैंने कश्यप जी को आमंत्रित किया, क्योंकि वे महान ऋषि थे तथा पवित्र कार्य में व्यस्त थे। मैंने उन्हें यज्ञ समाप्ति पर दक्षिणा रूप में अपनी जीती हुई संपूर्ण भूमि दे दी। तभी से मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और मेरा मन शांत है तथा मेरी बुद्धि आध्यात्मिक तेज से प्रदीप्त है। तुम्हारे पिता ने मुझसे पूछा है कि मैंने प्रतिहिंसा और घृणा का मार्ग त्याग देने पर भी पुनः अस्त्र उठाकर चुनौती क्यों दी है। अब मैं उनका उत्तर दूंगा। राम, दोनों धनुष स्वर्ग में निर्मित हो पृथ्वी पर आए थे। तुमने शिव धनुष को तोड़ दिया। अब केवल यही सुरक्षित रह गया है। मेरे लिए अब यह व्यर्थ है, क्योंकि इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। यदि यह भी टूट जाए तो मेरा त्याग पूर्ण हो जाएगा। अतः मेरी इच्छा है कि या तो तुम इसे तोड़ दो या अपने अधिकार में ले लो। मैं तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। अब समय आ गया है। किसी और के हाथों में पड़कर इसके दुरुपयोग होने की अपेक्षा अब मैंने इसका उपयोग करने का निश्चय किया है। शायद तुम्हें इस बात में शंका है कि युद्ध करना समय का सर्वोत्तम सदुपयोग है। युद्ध के महत्व को देखना चाहिए। यह विश्व की उन्नति तथा कल्याण हेतु भी हो सकता है। यह अधर्म के नाश तथा धर्म के विकास के लिए भी हो सकता है। तुम वाह्य दृष्टिकोण से युद्ध को अवांछनीय नहीं कह सकते। उसका प्रयोजन देखो। चाकू की धार तेज करने के लिए उसे सिल पर घिसना पड़ता है। कोई भी इस तरीके को चाकू के प्रति पीड़ादायक कहकर इसकी निंदा नहीं करेगा। इसी प्रकार शरीर को भोजन से शक्ति मिलती है, लेकिन भोजन को दांतों के नीचे निर्दयता पूर्वक चबाना पड़ता है। इस विधि को कोई भी व्यक्ति भोजन के प्रति हिंसा नहीं कहेगा। देह के लिए सात्विक भोजन अथवा राज्य में धर्म हेतु संघर्ष, द्वंद और पीड़ा देना आवश्यक हो सकता है। हम यात्रा के मध्य में मार्ग पर खड़े हैं।
यहां खड़े रहकर बातें करना ठीक नहीं है। आओ, या तो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ और भंग करो, या मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। परशुराम ने यह चुनौती दी। परशुराम की चुनौती सुनकर लक्ष्मण क्रोध से भभक रहे थे। वे उपयुक्त उत्तर देने के लिए बीच में बोलने ही वाले थे कि राम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तुम्हारा इस बात से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं मुझे स्वयं उनका उत्तर देना है। हम दोनों के बीच में बोलना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस स्थिति से मुझे अकेले निपटने दो। राम के स्नेहपूर्ण तथा मृदु उपदेश को सुनकर लक्ष्मण चुप हो गए। लेकिन राम द्वारा चुनौती को तत्काल स्वीकार न करने पर जब परशुराम ने हंसना और उनका उपहास करना आरंभ किया तो लक्ष्मण अपने आक्रोश को वश में न कर सके। वे चिल्लाए, हे भार्गव, जिसने शिव का धनुष तोड़ डाला उनके लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं है। इस नन्हे धनुष को तोड़ने के लिए आप केवल राम को ही क्यों चुनौती दे रहे हैं? यह ब्राह्मण का अस्त्र है, यह तो मात्र कुशात्रण है। मैं स्वयं एक क्षण में खेल खेल में इसे अनायास ही तोड़ सकता हूं। इस तुच्छ कार्य के लिए राम से क्यों कहते हैं? मुझे यह कार्य राम को सौंपने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम की क्रोधाग्नि और भड़क उठी, परंतु राम शांत रहे। वे लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्काए तथा कोमल स्वर में समझाकर उन्हें शांत किया। परशुराम जितने अधिक क्रुद्ध हुए राम उतने ही अधिक शांत तथा मर्यादित रहे। अंत में परशुराम आत्मनियंत्रण खो बैठे। उन्होंने अपनी जिह्वा का संयम त्याग कर अपशब्दों की बौछार लगा दी। इससे दशरथ के हृदय में कुछ व्यग्रता हुई। भृत और परिचारिकाएं क्रुद्ध प्रहार से बचने के लिए छिप गए। चतुरंगिणी सेना भय से कांपने लगी। पंडित लोग भयाक्रांत हो गए, आतंकित हो गए। सीता इस दृश्य को मनोरंजन पूर्वक निहार रही थी। वे बिल्कुल उत्तेजित न थीं। उन पर भय का लेश मात्र भी प्रभाव न था। वे उर्मिला, मांडवी तथा श्रुत कीर्ति के हृदयों में यह बताकर कि परशुराम राम रूपी सिंह के समक्ष एक लंगड़े गीदड़ हैं, उत्साह और विश्वास जगा रही थीं। राम द्वारा लक्ष्मण को डांटे जाते देखकर भरत और शत्रुघ्न ने हस्तक्षेप करना न चाहा, अन्यथा वे भी बीच में कूद पड़ते तथा युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने के लिए राम की अनुमति मांगते। वे राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए दूर खड़े रहे। वशिष्ठ भूत और भविष्य को जान सकते थे, अतः उन्हें प्रतीति हो गई कि यह घटना दैवी नाटक के एक दृश्य के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। वे शांत और अविचलित थे। राम गंभीर शांत मुद्रा में बोले, परशुराम, तुम ब्राह्मण हो, वर्ण की दृष्टि से क्षत्रिय के लिए तुम पूज्य हो, आदरणीय विश्वामित्र के तुम संबंधी हो। मैं ऐसे कुलीन ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं समझता, ना ही इस पवित्र अस्त्र को मैं तुम पर उठाना चाहता हूं। तुमने स्वयं अभी घोषित किया था कि इसका संबंध देवलोक से है। यह अलौकिक चाप है। इसका प्रयोग जिस किसी के भी विरुद्ध हुआ उस शत्रु का प्रत्येक नगर तथा गढ़ नष्ट भ्रष्ट हो गया, तथा यह अपने समक्ष आने वाले शत्रु की शक्ति और दर्प का दलन कर उसे पराजित कर सकता है। अतः इसे तोड़ने से क्या लाभ? दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करो तथा बताओ कि तुम्हें पैरों से चलने फिरने में असमर्थ करने हेतु मैं इसका प्रयोग करूं, या मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा अर्जित उच्चतर लोकों की प्राप्ति में बाधा डालूं। जब परशुराम ने ये शब्द सुने तो वे और आग बबूला हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वे राम की ओर झपटे और बोले, राम, तुम क्या बकते हो? राम ने उनके कंधे पर लटके विष्णु के धनुष को हाथ में ले लिया तथा उपहास पूर्वक हंसे, जिससे परशुराम के आत्मसम्मान को आघात पहुंचा। जैसे ही धनुष राम के हाथ में पहुंचा परशुराम का तेज हरण हो गया। वे शक्ति और पौरुषहीन हो गए। राम तेज और कांति से
और अधिक युक्त हो प्रकाशमान हो रहे थे, जिसकी दीप्ति को कोई देख नहीं सकता था। वे वहां खड़े ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे असंख्य दीप जल रहे हों, तथा जिससे चहुओर चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश विकीर्ण हो रहा हो। जब उस धनुष के स्वामी ने स्वयं उसे अपने हाथ में लिया तो वह और कांतिमान हो उठा। विजय श्री से वह मंडित हो गया तथा उसका आलोक प्रवाह बह निकला। स्वर्ग से देवताओं ने मिलकर धनुर्धारी राम के ऊपर पुष्प वर्षा की। पुण्य संगीत का स्वर सुनाई पड़ने लगा। इसी मध्य परशुराम मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, राम, जो कुछ घटित हुआ क्या तुमने उसे देखा? मैंने दिव्य प्रागट्य तथा देवी कांति की आनंदानुभूति की है। अतीत काल में मैंने यह भौतिक क्षेत्र कश्यप को उपहार स्वरूप दिया था। कश्यप ऋषि ने आदेश दिया था कि मैं उनके अधिकार क्षेत्र में कभी प्रवेश ना करूं, और अगर करूं भी तो एक रात भी सोकर ना बिताऊं। इस प्रकार का अभिशाप उन्होंने मुझे दिया था। अब रात्रि हो चली है, मैं और अधिक अब यहां नहीं ठहर सकता। मुझे शीघ्र महेंद्राचल को लौटना है। मेरी अतुलनीय तपश्चर्या के बल पर मैंने उच्चतर लोकों पर विजय पाई है। धनुष को तोड़ दो और साथ ही मेरे द्वारा अर्जित सारी शक्ति को भंग कर दो। मुझमें जो शक्ति है वह तुम्हारी ही है। हे राम, देखो, मुझे प्राप्त सभी शक्तियां मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। इस प्रकार कहते हुए वे राम के पास आए तथा दोनों हाथों से राम को दृढ़ता से पकड़कर आलिंगन किया। दैवत्व के त्रिविध रूप जिनसे परशुराम विभूषित थे तथा अब तक जिनकी शोभा उनमें से प्रकट हो रही थी, उसी क्षण राम में विलीन हो गए। तब परशुराम ने राम को इस प्रकार संबोधित किया, राम, दैवी रहस्य को संसार आसानी से नहीं समझ पाएगा। यहां तक कि मेरे जैसे व्यक्ति भी जो विष्णु के दैवी विधान की उपेक्षा कर उपवास, त्याग तथा तपश्चर्या से प्राप्त अपनी उपलब्धियों पर अधिक भरोसा करते हैं, इसे न जान पाएंगे। इसीलिए मैंने संसार को आपकी वास्तविकता तथा सच्ची शक्तियों का ज्ञान कराने का निश्चय किया था। मुझमें जो शक्तियां थीं वे भेंट स्वरूप मैंने आपको चढ़ा दी। मैंने पुनः यह प्रतिपादित कर दिया है कि आप स्वयं शक्तिमान विष्णु हैं, अद्वितीय शक्तियों से संपन्न प्रभु हैं, जो इस विश्व रूपी नाटक के संचालक हैं, निर्देशक हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें आप नहीं, आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। आप सब कुछ हैं, आपका सब कुछ है। मुझे आपके दैवी धनुष को कुछ समय के लिए धारण करने का सौभाग्य मिला। परिणाम स्वरूप मैं संसार भर में समादृत हुआ। यह श्रेय मुझे मिला है, यही मेरी ओर से भेंट है। यह कहते कहते परशुराम अदृश्य हो गए। राम ने शर एवं शरासन दोनों शांत एवं प्रसन्न मुद्रा से वरुण देव को प्रदान किए। पार्श्व में खड़े वशिष्ठ एवं दशरथ को साष्टांग प्रणाम किया। दशरथ इस भय से कांप रहे थे कि पता नहीं उनके पुत्र का किस समय क्या अनिष्ट हो जाए, पता नहीं उस नर पिशाच के हाथों कौन सा संकट उन पर टूट पड़े। अब वे चिंता मुक्त हुए तथा उन्होंने राम को अपने पास खींचकर स्नेह से नाना प्रकार से स्नेहालिंगन किया। अपने पुत्र की चिबुक पकड़कर उनके मुंह को अपनी ओर उठाया तथा अपने भावों को शब्दों में अभिव्यक्त न कर पा सकने पर बोले, प्रियवत्स, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं। मुझे भय था कि मैं फिर तुम्हें देख भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हारा अदम्य साहस, तुम्हारा शौर्य कल्पनातीत है। इस प्रकार उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनके पराक्रम की नाना प्रकार से सराहना की। उत्तर में राम ने कहा, धर्म की विजय होती है। धर्म परायणता एवं विजय सहचरी हैं। संघर्ष की प्रारंभिक अवस्थाओं में कुछ आशंकाएं तथा कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जो भयंकर प्रतीत हो सकती हैं।
ये मन को दुर्बल भी बना सकती हैं, यहाँ तक कि पराजय तथा असफलता की आशंकाएं उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन इनके समक्ष नमन करके अथवा झुक जाने की अपेक्षा मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, तब उसकी पराजय नहीं हो सकती। असफलता का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। लोग धर्म की शक्ति को सत्य की गहराई में नहीं देखते। वे ऊपरी बाधाओं और चिंताओं के वशीभूत हो अपने पथ का त्याग कर देते हैं और दुखी होते हैं। जो हुआ और जैसा हुआ, यह आपके आशीर्वाद का फल है। यह कहकर राम अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, सशस्त्र सेनाएं अयोध्या के लिए प्रयाण हेतु आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। कृपया उन्हें आदेश दें। इस पर दशरथ अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब और विलंब क्यों? दुख और सुख एक के बाद एक मनुष्य पर घटते रहते हैं तथा उसके शरीर को उत्पीड़ित करते ही रहते हैं। राजधानी चलें तथा यथासंभव आनंदपूर्वक जीवन यापन करें। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर सेना को कूच करने के आदेश देने की इच्छा प्रकट की। सैनिक आनंद से जयनाद कर उठे तथा उन्होंने अग्रसर होना प्रारंभ किया। विपत्ति की आशंका समाप्त हो चुकी थी। दशरथ ने शेष यात्रा दिनभर की विस्मयकारी घटनाओं का वर्णन करके या उनके वर्णन का आनंद उठाकर व्यतीत की। जैसे ही वे नगर के निकट आए, सेना की कुछ टुकड़ियों को नगरवासियों को बारात की वापसी की सूचना देने के लिए भेजा गया। मिथिला की शोभा और महिमा तथा मार्ग के अनुभव की स्मृति ने उनके पैरों को तीव्र गति प्रदान कर दी तथा वे तीर के समान नगर की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के वधुओं सहित नगर में प्रवेश की घोषणा की। अयोध्या के नागरिकों ने नाना प्रकार से सड़कों और बाजारों, घरों एवं द्वारों को अलंकृत करने तथा सजाने की तैयारियां की। मार्गों को धोया और सजाया गया। सड़कों के दोनों ओर खंभों के साथ कदली वृक्ष बांधे गए तथा नारियल के गुच्छे लटकाए गए। गुलाब जल का छिड़काव किया गया। संपूर्ण नगर को मनोहर एवं आकर्षक बनाया गया। स्थान स्थान पर संगीतज्ञों ने अपने वाद्य यंत्रों के साथ स्थान ग्रहण किए। रास्ते में लोगों को पटाखे वितरित किए गए, जिससे रंग और ध्वनि का अविरल प्रवाह उत्पन्न हुआ। आनंद में लीन वे बारात की प्रतीक्षा में एक एक क्षण गिन रहे थे और प्रथम झलक देखने की लालसा से दूर तक आंखें बिछाए थे। स्त्रियों की भीड़ खिड़कियों और छतों से, घूंघटों तथा पर्दों के पीछे से दृश्य का अवलोकन कर रही थी। दशरथ ने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं के साथ राजधानी अयोध्या में प्रवेश किया। संपूर्ण वातावरण संगीत की ध्वनि से गूंज उठा। जय जयकार करते करते लोगों के गले बैठ गए। स्त्रियों ने आरती उतारी, पथ पर पुष्प वर्षा की तथा गुलाब जल छिड़का। नक्षत्र रूपी वधुओं के मध्य राजकुमार सूर्य समान उज्जवल प्रकाशमान थे। जब जन समुदाय ने यह महत दृश्य देखा तो कई भूल गए कि वे कहां खड़े हैं। उनके आनंद की सीमा न रही। उनकी आंखें देखे नहीं अघाती थीं, अतः उन्हें देखते रहने के हेतु वे काफी दूर तक वापस चले आए। इस प्रकार उनका सारा रास्ता तय हुआ तथा वे राजप्रासाद द्वार पर पहुंच गए। वहां वैदिक मंत्रों का पाठ करके नौ विवाहितों के सौभाग्य एवं समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए ब्राह्मण ठहरे हुए थे। परिचारिकाओं ने आरती तथा कुदृष्टि के परिहार के लिए कई अनुष्ठान किए। उन्होंने वधुओं से बायां पैर पहले उठाकर भीतर आने का निवेदन किया। तब तक अंतःपुर के द्वार पर रानियां कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी अति उत्सुकता से उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनकी आंखें पहले दर्शन पाने की लालसा से निकली पड़ रही थीं। उन्होंने चंदन इत्र छिड़का,
उनके केश कुंतलों में पुष्पाभरण लगाए तथा उनके माथे पर लाल बिंदी लगाई। वे आनंद विभोर थीं। उन्होंने पुत्रों को अपने पास बुलाया, उनके माथे और कपोलों को थपथपाकर लाड़ प्यार किया और खूब आशीर्वाद दिया। चारों पुत्र और उनकी वधुओं ने तीनों माताओं को प्रणाम किया तो माताओं की आंखों से आनंदातिरेक के अश्रु बह निकले। इसी बीच नौकरानियां स्वर्णिम थाल में दूध में उबले चावल रख कर ले आईं। माताओं ने दंपत्तियों के मुख में भोजन का ग्रास दिया तथा उनसे खाने का आग्रह किया। उन्हें पीने को दूध दिया। उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। संध्या समय नौ विवाहित दंपत्तियों के स्वागत में भाग लेने के लिए अयोध्या की स्त्रियों को महल में आमंत्रित किया गया। सुंदर मंच तैयार किया गया जिस पर स्वर्ण आसन रखे गए। रानियां बहुमूल्य वस्त्र तथा कलापूर्ण ढंग में जड़े बहुमूल्य रत्नों वाली आभूषण लाईं। वधुओं को इन्हें धारण करने हेतु सहायतार्थ उन्होंने कुशल एवं चतुर परिचारिकाओं को लगाया तथा स्वयं कपड़े तथा आभूषण पहनने के कार्य की देखरेख की। तत्पश्चात उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनके आसनों पर ले गई। तब तक राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी वहां पहुंच गए, अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। उन्होंने राजसी वस्त्र बहुमूल्य आभूषण तथा मुकुट धारण किए थे। वे सभी अपनी पत्नियों के दाईं ओर बैठे। माताओं तथा आमंत्रित स्त्रियों ने इस दृश्य से अपने नयन तृप्त किए। उनका आनंद असीम था, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब यह समारोह चल रहा था तब प्रसाद के बाहर मुक्त हस्त से उपहार बांटे जा रहे थे। गाय धन भूमि अनाज वाहन घोड़े बड़ी मात्रा में दान दिए गए। ब्राह्मणों ने मंच के समक्ष आकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नौ दंपत्तियों पर मंगलकारी चावल छिड़के। कुदृष्टि से बचाने के लिए सुहागिन स्त्रियों ने 108 दीपों से आरती की। तत्पश्चात पुत्रों और पुत्रवधुओं ने माताओं पिता तथा गुरु वशिष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार समारोह समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258 9393258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।